कहते हैं जोड़ियां ईश्वर बनाता है, यह एक बार फिर से सही साबित हुआ है। दो दिन पहले आई जो बारात घर के दरवाजे से लौट गई थी, अब उसे दुल्हनिया की डोली थाने परिसर से निकली। दूल्हा और दुल्हन वही, बस बदले थे तो कुछ बाराती और स्थान। उनकी जगह थाने की पुलिस और जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवियों की मौजूदगी इस अनोखी शादी में थी। इस विवाह को लेकर बाराचट्टी की पूर्व विधायक समता देवी क्या कुछ कह रही है, पहले आप वो सुनिए। जो मैम शादी समारोह हो रहा है जो विवाद के बाद आज पुनः, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपस में दोनों झगड़ा गए थे किसी कारण से, तो हम लोग मिलाने का हुए और हम लोग का दिलानी दे भी दी है, जो भी के लिए आदम हो गए खाना पनवारी हो गए सारे लोग हम लोग और खाने के अंदर में हम लोग शादी करवाने का काम किए। जो भी व्यवस्था वगैरह हुआ सब आप ही लोग? हाँ, सारे मिल गए, इसमें हम उनका भी खाना करवा रहे हैं, सारे लोग के लिए ज़्यादा लोग हैं। अब बोलिए दे कि हमारे प्रमुख हैं बाराचट्टी प्रखंड के लिए, क्योंकि हम लोग का सही है और हम लोग जैसे जैसे जिसको जैसे जानकारी है तो मिलवाने के काम किए हैं और लड़का लड़की के लिए। अब इस मामले के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल मोहनपुर थाना के चरके डिया गांव के निवासी मदन मांझी की पुत्री काजल कुमारी की शादी बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत धनगई थाना के गोसाई पेसरा निवासी रामदास मांझी के पुत्र विक्रम मंडल के साथ तय हुई थी। शादी की तिथि के अनुसार बारात बीते शनिवार को गोसाई पेसरा को पहुंची थी। शादी की तिथि पर गोसाई पेशरा बारात काफी धूमधाम से निकली थी और बाराती डीजे की धुन पर डांस करते हुए दूल्हे के साथ दुल्हनिया के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। इसी बीच नाचने को लेकर विवाद हो गया, बाराती और साराती दोनों आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामला काफी आगे बढ़ गया। विवाद के बाद बारातियों का गुस्सा इस कदर हावी हो गया कि वे दुल्हा समेत वापस मोहनपुर के चरकेडिया बगैर शादी किए ही लौट गए। इस तरह की घटना के बाद दुल्हन के पिता काफी चिंतित हो गए और उन्होंने जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के अलावा धनगई थाने से संपर्क साधकर शादी संपन्न कराने की गुहार लगाई। जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी और बाराचट्टी एवं धनगई थाने की पहल पर आखिरकार दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष के लोग एकमत हुए। निर्णय लिया गया कि अब फिर से बारात लाने की बजाय थाने में ही शादी समारोह संपन्न कराया जाए, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन एवं उनके परिवार और मुख्य अतिथि मौके पर पहुंचे। धनगई थाने में ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी समारोह संपन्न कराया गया और फिर दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। बता दें कि शादी समारोह के अवसर पर धनगई थाना के पूर्व विधायक समता देवी, प्रखंड प्रमुख देवरानी देवी, बाराचट्टी थाना अध्यक्ष रामलखन पंडित, धनगई थाना अध्यक्ष अंगद पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रहे। वैसे अब मारपीट के बाद फिर से थाने में शादी होने की अनोखा बात को लेकर इलाके में काफी चर्चा हो रही है। वहीं इस संबंध में धनगई थाना अध्यक्ष अंगद पासवान ने बताया कि दो दिन पहले टूटी शादी थाने में पूरे रस्म रिवाज के साथ संपन्न कराई गई है। दूल्हा और दुल्हन और दोनों पक्ष के परिवार अब काफी खुश हैं। इस शादी का खर्च बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि हमारी एक पहल ने काफी अच्छा रंग लाया और टूटी शादी फिर से जुट गई। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।